वालेकुम नाजरीन, अवाम तक रसाई प्रोग्राम में हम एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद लोक विरसा में, जहां पर 10 रोजा लोक मेले का अहतमाम किया गया है। आइए करते हैं शहरियों से बात और जानते हैं कि वो यहां पर किस तरह के मजे लूट रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा, मुझे बताइएगा कि यहां पर ये जो 10 रोजा मेले का अहतमाम किया गया है, इसके बारे में क्या खास पैगाम और क्या खास चीज लगी अब? सबसे पहले तो मैं कहना ये चाहूंगा कि इस दहशतगर्दी के माहौल के में और इस नाइतफाकी के माहौल में हमें ये चाहिए, इस सारे मेले की वजह से हम लोग इकट्ठे हो सकते हैं, एक दूसरे का कल्चर बांध सकते हैं, और जो हमारी जो सकाफती बुनियाद है सबसे पहले वो है। उसके बाद हम सबसे बड़े पाकिस्तानी, यहाँ पर आप बलोचिस्तानी भी देखेंगे, गिलगती भी देखेंगे, सिंधी भी देखेंगे, पंजाबी भी देखेंगे। इट्स मीन वी आर ऑल टूगेदर टू फाइट द अगेंस्ट द टेररिज्म एंड वी आर पाकिस्तानी एंड वी लव। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए आप? हम इस्लामाबाद से आए। इस्लामाबाद से ताल्लुक किस एरिया से रखते हैं? पिशावर से। पिशावर से। कौन सा कल्चर यहाँ अच्छा लग रहा है आपको? ये हमारा पठानों का कल्चर हमें अच्छा लगा। नहीं, इसके अलावा और कोई? और भी सब अच्छे है, जो गोर है सब अच्छे। नहीं, सबसे अच्छा आपने सब देखे? सब देखे। तो सबसे ज्यादा अपने कल्चर से हटके कौन सा अच्छा लगा? ये सिंधी भी अच्छे हैं, बाकी भी अच्छे हैं सब। पंजाब का नहीं अच्छा लगा? पंजाब का भी अच्छा लगा। फिर ये हमारी लड़ाई हो जाएगी? नहीं, लड़ाई नहीं करनी, हम पंजाब से हैं। नहीं, इंशाल्लाह आपकी भी अच्छे प्रोग्राम होते हैं, अच्छे होंगे जी। अच्छा, रसाई चैनल नया चैनल है, नया टीवी है, बताएं ये क्या जो है पैगाम देना चाहेंगे? हम बस क्या पैगाम देंगे, पैगाम यही है कि अमन और मोहब्बत और सब, और यही पैगाम, बस इतना ही। इतना और कुछ? बस नहीं, और कुछ तो होगा। नहीं, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं है? नहीं। चले, ये कोई अच्छा सा गाना सुनाए अपने कल्चर का। नहीं, गाना नहीं। गाना नहीं आता? नात आती है? नहीं, नात भी नहीं आती। अच्छा, कोई नज़म आती है? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं आता। कुछ भी नहीं। अच्छा, अपना पूरा नाम बता दे। वाहिदुल्ला। वालिद का नाम? शरीफुद्दीन। शरीफुद्दीन। देखे, नाम भी आपने तोड़ तोड़ के बताया। नहीं, बहुत शुक्रिया। ठीक है, शुक्रिया। वक्त हम आपको पंजाब की सकाफत दिखाने जा रहे हैं, जहाँ पे बहुत सारे स्टॉल जो है वो लगाए गए हैं, पंजाब के सकाफती खाने यहाँ पर जो है वो पेश किए गए हैं, जिसमें खसूसन मकई की रोटी और सरसों के साग के साथ और अचार के साथ। इसके अलावा यहाँ पर फैसलाबादी जो है वो चाय भी, उसका भी स्टॉल लगाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी जो है वो ऐसी जो है वो सकाफत की चीजें दिखाई गई हैं, जिसमें मुल्तान है, लाहौर है, और इसके अलावा और भी जितने भी पंजाब भर के जो एरियाज हैं, वहाँ की जो सकाफत है वो इस पंजाब पेविलियन के एरिया में जो है वो दिखाई गई है। इसके अलावा हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर पंजाब का जो लोक डांस है वो किस तरह से जो ना किया गया है, वो भी आपने देखा, और हम आपकी बात भी कराएंगे कुछ दुकानदारों से भी, और कुछ यहाँ पर लोक विरसा में आए हुए शायकीन से भी हम आपकी बात कराएंगे कि वो क्या कहेंगे पंजाब की सकाफत को लेके। हमारे साथ रहिएगा। लोक विरसा में जो 10 रोजा मेले का एहतमाम किया गया है, उसमें पंजाब की सकाफत दिखाई जा रही है। आप देख सकते हैं कि ये कितना जबरदस्त डांस है, और हम खुद पंजाब से इंजॉय कर रहे हैं।
जो है वो एक कॉम्बिनेशन है। आप डांस तो करें लेकिन उसके साथ साथ इस भंगड़े के साथ साथ ये रंग भी बहुत ज्यादा जो है वो मजे का लग रहा है। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। हमने यहाँ पे मकई की रोटी और साग खाया, बहुत जबरदस्त था और हमें यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है। यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तो हम के साथ और कौन है जी? हम क्या, आप कह रहे हैं ना हमें मजा आया, आपके साथ और कौन है? सर मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी मामी है और भी फ्रेंड्स हैं। सब ट्रिप आया हुआ केरल से। अच्छा, सब लोग आए हैं जी? सब। तो कहाँ से आप तशरीफ लाए? हम केरल से। केरल इस्लामाबाद से जी। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या सीखा है, कुछ नया कुछ सीखा है? जी हमने बहुत कुछ सीखा है यहाँ पे। तो क्या मीन्स सेल करने की चीजें और जैसे जैसे ये लोग डांस कर रहे हैं वो सब देखने में बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। तो आप क्या चाहती है कि इस तरह के जो मेले हैं वो होने चाहिए? जी होने चाहिए। कितने दिन बाद? हर हफ्ते होने चाहिए। हर हफ्ते होने चाहिए जी। अच्छा ठीक है, बहुत थैंक यू। मुझे ये बताइए कि अल्फाबेट्स में से, ह्यूमन बॉडी में से कौन सा ऐसा जो अल्फाबेट है जो ह्यूमन बॉडी को प्रेजेंट करता है? आई। आपके लिए फैंटा की एक टॉफी, लेकिन वो हमारे पास अभी नहीं है, वो आप ले लीजिएगा। जी ठीक है, थैंक यू। यू वेलकम। जी नाज़रीन, अभी हम जो सकाफत आपको दिखाने जा रहे हैं वो है सिंध की सकाफत। यानी आप कराची वाली साइड पे चले जाते हैं, कराची खास तौर पे जो है वो सिंध में क्योंकि आता है और बहुत ज्यादा जो है वो लोग कराची को जानते भी है और बहुत सारे लोग कराची से ताल्लुक भी रखते हैं। और कराची की सकाफत हम आपको दिखाएंगे जो कि बाकी तमाम सूबों से ये जो सकाफत है ये काफी हद तक जो है वो मुख्तलिफ है। इनके उठने बैठने का जो स्टाइल है, खाने पीने के जो तरीके हैं, खाने पीने की जो चीजें इस्तेमाल की जाती हैं, मलबूसात जो खवातीन पहनती हैं, जो मर्दों का तरीका है वो बहुत ही अलग है। तो आइए हम आपको सिंध की सकाफत में लेकर चलते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम आपको जिस जो सकाफत दिखा रहे हैं ये सिंध की सकाफत है। और ये जो यहाँ पर इस लोक मेले में जो है वो बनाया गया है, एक स्टैचू बनाया गया है, इस मुजस्मे के अंदर जो है वो सिंध की सकाफत जो है जो कि घरों में इस्तेमाल होती है, चाहे ड्राइंग रूम्स में यूज हो या फिर जिनकी रवायती जो कल्चर है जिसको ये बरकरार अभी तक रखे हुए हैं सिंध में। बेशक दूसरी सकाफतों में जो है वो नए स्टाइल्स के सोफा सेट्स और ये सब चीजें आ चुकी हैं, लेकिन जो खसूसन सिंध में जो सकाफत है वो अभी तक रवायती जो है वो बरकरार रखी है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि ये सकाफत जो है, ताकि आप भी देख सकें, और अगर हमें यहाँ पर कोई भी मिलता है सकाफत के बारे में जो हमें मालूमात के लिए तो वो हम आपकी बात करवाते हैं। ये सिंधी सकाफत जो है वो यहाँ पर दिखाई गई है, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? ये हमारे सिंध का कल्चर है, सिंध की सकाफत है। ये हम हर साल आते हैं यहाँ पे, हर साल ये प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ सिंध हमें अपने खर्चे से भेजता है यहाँ पे। जी हाँ, तो ये प्रोग्राम करे बहुत इंटरटेनमेंट होता है, बहुत खुशी होती है हमें कि हम अपने सकाफत को दुनिया को दिखाते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि इस टाइम पे ये जो खसूसन ये जो सिंध में ये वाला जो है वो ब्लॉक प्रिंट है ये यूज किया जाता है, ये इसके अलावा ये जो साहब जिस जगह पे ये बैठे हुए हैं ये, इसके बारे में आप हमें थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को भी बताइएगा। व्हाई नॉट, ये अजरक कहलाता है, अजरक, सिंधी अजरक जो कि पूरे वर्ल्ड में मशहूर है, पाकिस्तान के अलावा भी मशहूर है। बाकी ये जितनी एवरीथिंग से ही हमारे सिंध के कल्चर में, कल्चर के खास हिस्से ही है, तो इसी वजह से ये दुनिया में हम इसी सकाफत, इसी अजरक की वजह से जाने जाते हैं कि हम लोग सिंधी हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अजरक क्या खवातीन में भी यूज होती है या सिर्फ मर्दों में इस्तेमाल होता है? नहीं, इसमें लेडीज, जेंट्स, बच्चे हर कोई यूज करता है। जी हाँ, तो इस
इसमें ज्यादातर चादरें आती हैं या कपड़े वगैरह पहनते हैं, क्या होता है? नहीं, पहले चादरी होते थे, उसके बाद ये कमीज कपड़े पहनाना, मतलब के जो जुनून होता है ना हमको इश्क, वो हम फिर कपड़े भी सिला लेते हैं इनमें से। बेड शीट्स वगैरह भी होते हैं? जी हाँ। पर्दे वगैरह? नहीं, पर्दे नहीं होते हैं। बेड शीट्स में यूज होता है ये, और चादरों के लिए और कपड़ों के लिए? ये सिर्फ पहनने के लिए ओढ़ने के लिए यूज होता है। अच्छा, पहनने और ओढ़ने के लिए? जी हाँ जी। अच्छा, तो कोई खास पैगाम देना चाहेंगे आप इस लोक मेला के हवाले से? मतलब मेला बहुत अच्छा मेला, हम ये चाहते हैं कि खुदा करे ये नफरत हमारे एक दूसरे के दिल से खत्म हो जाए, ताकि सबके दिलों में मोहब्बत पैदा हो, मोहब्बत जुनून पैदा हो, इश्क पैदा हो अपने पाकिस्तान के लिए। ये नफरतें जो आज तक हमारे में बटी हुई हैं, तकसीम हो चुके हैं, जो कुछ अनासरों ने हम दूसरों के इख्तलाफ में बीच में एक इख्तलाफ लिया, खुदा करे कि ये इख्तलाफ खत्म हो जाए। शुक्रिया, मेहरबानी। इस वक्त हम जिस जगह पे मौजूद हैं, ये सिंधी जो है वो कल्चर को दिखाया गया है। एक जो बुढ़िया है, हम तो जो बच्चों को एक जो है कहानी सुनाया करते थे, और जिसमें बुढ़िया जो है वो चरखा कातरी होती थी, तो लेकिन ये जो है वो कोई कहानी वाली बुढ़िया नहीं है, ये बिल्कुल हकीकी बुढ़िया है जो कि चरखा जो है वो काट रही है, और ये यहां पर बैठ कर जो है वो सिंध की सकाफत को जो है वो प्रमोट करने आए हैं, सिंध की सकाफत को ये दिखा रहे हैं। तो आइए हम इनको करीब से आपको दिखाते हैं, और अगर वो हमारी जबान समझ सकती हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम उनसे बात भी करें। जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? जी, कैसा लग रहा है इधर आके? आप थरपारकर? थरपारकर से आए हैं? जी। तो आप यहाँ पर ये जो सकाफत है, ये सिंध की जो है वो सकाफत दिखा रहे हैं? ये सकाफत चरखा चला रहे, धागा कट रहे, ये बना रहे, कंबल बनाते हैं। कंबल बनाते? जी हाँ, कंबल बना दी इसमें। आप खसूसी थरपारकर से तशरीफ लाए हैं? जी। थरपारकर से आए आप? जी, थरपारकर से। तो वहाँ पर भी आप यही काम करते हैं? नहीं, ये काम करते हैं। अच्छा, तो इससे जो है वो और कोई चीज बनती है कंबल के अलावा और कुछ? ना, ये कंबल बनाते हैं, ये कंबल बनते हैं इसमें। सही है। जी, तो आपने कंबल वगैरह बना के यहाँ पर कोई नमूना उसका रखा हुआ नहीं है? वो खड़ी हमारे गाँव में, इधर नहीं है। अच्छा, ये बताएंगे कि ये पीछे जो बनाया हुआ है ये क्या बनाया हुआ? ये चौरा बनाया, हमारे गांव में ये जोरा बनते हैं। अच्छा, ये आपके गांव में ऐसा होता है? जो बहुत है। अच्छा। जी, तो इसके अंदर जो है कितने लोग रहते हैं? इतने लोग रहते हैं, 10-12 रहते थे। जी हाँ, 10-12 लोग रह लेते हैं। जी, तो वहाँ पे आपका जो थरपारकर का जो की जो सकाफत है, वहाँ पर क्या ये सब इसी तरह का ही है? जी, सारी हर घर इसी तरह का ही? हाँ। तो ये बताएंगे कि ये क्या जो है वो मिट्टी का बना होता है, या खसूसन कोई आपको खास कुछ इस्तेमाल करते हैं? ये मिट्टी को बनाते हैं। मिट्टी का बना? जी। तो सर्दियों गर्मियों में क्या इसका सिलसिला होता है, कुछ बताएंगे भाई? ये सर्दियों गर्मियों में ठंडे होते हैं, गर्म नहीं होते हैं। अच्छा। जी हाँ, सर्दियों में गर्म होता है? हाँ, सर्दियों गर्म होता है। जी, तो मुझे बताइएगा थरपारकर में ज्यादा खाना किस तरह का यूज करते हैं आप, क्या खाना बनाते हैं? खाना ये हल्का फुल्का खाते हैं, मैं हल्का फुल्का खेड़ी पाती करता हूँ, उसको खाना खाते हैं। जिस तरह पंजाब की जो सकाफत है उसमें आपको पता है कि मकई की रोटी और साग जो है वो बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, और वो एक हमारा सकाफती खाना भी है पंजाब का। तो थरपारकर वाली साइड पे क्या सकाफती खाना है जो आप हमारे नाज़रीन को बताना चाहेंगे? खाना ये हल्का फुल्का ही है हमारे पास। क्या भाई? ये सब्जी यही है, ये खाते बस। सब्जी खाते? जी, सब्जी। अच्छा, मीठा पसंद नहीं करते? मीठा नहीं, कड़वा पानी है। कड़वा पानी है? कड़वा पानी है। कड़वा पानी ज्यादा पसंद करते हैं? बहुत ऐसा नहीं, पानी कड़वा आता है या पानी कड़वा करके पसंद करते हैं? बहुत कड़वा पानी है। अच्छा, वहाँ का पानी है ही कड़वा? जी हाँ। अच्छा, तो कोई खास पैगाम देना चाहेंगे आप? जी, कोई खास पैगाम देना चाहेंगे? खास ये ही पैगाम है, ये कड़वा पानी है, ये हमारे मुल्क। जी हाँ, आप क्या समझते हैं कि इसका क्या हल हो सकता है? हाल क्या, ये देखो ये हाल है। जी हाँ, ठीक है। नाज़रीन, आपने ये देखा कि इस टाइम हम जिस जगह पे मौजूद हैं, ये थरपारकर के जो सकाफत है उसको ये प्रेजेंट कर रहे हैं, और ये बहुत ही रिवायती जो है वो यहाँ पर ये जो चरखा इन्होंने जो लगाया हुआ है, और ये बुढ़िया तो नहीं है लेकिन ये थरपारकर से जो है वो एक खातून है जो तशरीफ लाई है खसूसी तौर पर, और ये जो ये बना रहे, इसे खसूसन सिर्फ कम्बल ही जो है वो बनाए जाते हैं इस रेशे से।
और थरपारकर की ये सकाफत है जो कि हमने आपको बड़े करीब से दिखाई है। लोक जो विरसा है इस्लामाबाद में, इसमें लोक मेले का जो है 10 रोजा अहतमाम किया गया है, जिसमें जोक दर जोक जो है वो दूर दूर से लोग तशरीफ लेके आए हैं और बड़े शौक से जो है वो उन्होंने यहाँ की हर तरह की जो सकाफतें हैं उनको देखा है। हमारे साथ रहिएगा, हम कुछ और सकाफतें भी आपको दिखाते हैं जिनका अहतमाम यहाँ पर भरपूर अंदाज में किया गया है। जी नाजरीन, इस वक्त हम आपको जिस सकाफत से मिलाने जा रहे हैं वो सकाफत है थरपारकर की सकाफत, जिसमें खवातीन बकायदा तौर पे थरपारकर से यहाँ पर इस लोक मेला में आई हैं अपनी सकाफत को दिखाने के लिए, अपनी सकाफत को भरपूर अंदाज में पेश करने के लिए। आप देख सकते हैं कि इन्होंने किस तरह के अपने सकाफती मलबूसात जो है वो पहने हैं और अपना सकाफती डांस कर रही हैं। और इसके अलावा आप इनके हाथों में, इनके बाजुओं में वो सारी ज्वेलरी भी देख सकती है जो खसूसी तौर पे थरपारकर की खवातीन पहनती हैं। और इनकी मांग में सिंदूर भी देखा जा सकता है, क्योंकि इनका जो इनकी जो सकाफत है वो काफी हद तक हिंदुस्तान की सकाफत से मिलती जुलती है। तो हम आपको दिखाएंगे इनका रवायती डांस और वो आपको बहुत ही मजे का लगेगा और यकीनन आप भी इंजॉय करेंगे हमारे साथ। नाजरीन, मुझे तो यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है थरपारकर की इस रवायती जो एक ये डांस है इसमें मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। खसूसन इनके कपड़ों पर जो फूल बूटी है वो खवातीन के हवाले से बहुत ही ज्यादा जो है वो अच्छी लुक देती है। और खसूसन इन्होंने जो रंग पहने हैं वो रंग तो बे इंतहा, ये रंगों का इम्तिजाज बहुत ही ज्यादा जो है वो मजे का है। और ये जो इन्होंने चूड़ियां पहनी है आप देख सकते हैं हर कलर में ये चूड़ियां हैं, गुलाबी हैं, सफेद हैं, सब्ज हैं, हर तरह के रंग हैं, जो जानदार रंग है जो खवातीन पसंद करती हैं वो रंग इन्होंने पहने हुए हैं। और ये सकाफत, ये रवायत, ये बहुत ही जो है वो इंटरेस्टिंग है, यकीनन आपको भी मजा आ रहा होगा। नाजरीन, आपके हम इस थरपारकर की सकाफत के हवाले से जो थरपारकर से जो खातून आई हैं उनसे हम आपकी बात कराते हैं ताकि वो हमें मजीद हमारी मालूमात में इजाफा कर सके। आप हमारे साथ रहिएगा, बताइएगा इस सकाफत के हवाले से क्या ऐसी खास बात है। एक तो हमें ये जो आपने कलरफुल जो कपड़े पहने हैं हमें बड़े अच्छे लग रहे हैं, खसूसन ये जो चूड़ियाँ आपने पहनी है ये चीज, और ये जो मांग में आपने जो सिंदूर टाइप ये लगाया है, ठीक है, इसके बारे में हमें बताइए। ये हमारा थरपारकर का रवाज है, हम वहीं पहनते हैं, ये डांस वगैरह हमारी वहीं होती है, शादी होती है तो उसमें भी होती है। और चूड़ियाँ जो को शादीशुदा होती है वो लोग पहनते हैं, जिसकी शादी नहीं होती है वो लोग नहीं पहनती है साड़ी, नहीं पहनती। अच्छा, क्या आप हमारे नाजरीन को ये बताएंगी कि जो थरपारकर की जो सकाफत है वो क्या हिंदुस्तान की सकाफत से मिलती जुलती है? जी नहीं, हिंदुस्तान से सकाफत से नहीं मिलती जुलती। तो फिर जो आपने अपने माथे में जो ये सिंदूर भरा है इसका क्या है? ये शादीशुदा होते हैं वो भरते हैं सिंदूर मांग, जो हिंदुस्तान में खवातीन करती है। जी हाँ, वो उसी तरह ही। तो ये आपकी सकाफत मिलती जुलती है? जी हाँ, सही है। तो इसके अलावा कोई खास पैगाम आप देना चाहेंगी? इसके अलावा मैं क्या कहूँ, यहाँ आके हमें अच्छा लगा, इस्लामाबाद आए हमें घूमे, यहाँ लोक प्रथा में आके हमें अच्छा लगा। तो इस्लामाबाद अच्छा लग रहा है आपको? जी बहुत अच्छा लग रहा है इस्लामाबाद। तो थरपारकर में और इस्लामाबाद में क्या फर्क है? बहुत फर्क है इस्लाम, हाँ बहुत ज्यादा फर्क है। थरपारकर में गर्मी है, इस्लामाबाद ठंडा इलाका है, ये फर्क है। दोबारा आना चाहेंगी यहाँ? जी हाँ, मैं बिल्कुल आना चाहूँगी, यहाँ हमेशा के लिए यही रहना चाहती है। रहना तो चाहती हूँ, बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं स्कूल में, तो इसलिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम आपको जो सकाफत आप दिखाने जा रहे हैं इस 10 रोजा जो लोक मेले का एहतमाम किया गया है, ये गिलगित बल्तिस्तान की खसूसी सकाफत है, जिसके हवाले से ये गिलगित बल्तिस्तान का पवेलियन लगाया गया है, जहां पर गिलगित बल्तिस्तान की जो अपने खास लोग हैं, वहां के रिहायशी लोग हैं, वो खुद भी यहां पर बड़े शौक से आ रहे हैं, जो कि इस्लामाबाद पिंडी में खसूसन रहते हैं। इसके अलावा वो लोग भी हैं जो कि दूसरे जो है वो सकाफतों से ताल्लुक रखते हैं और वो बहुत ज्यादा भरपूर इस चीज को इंजॉय कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम खसूसन गिलगित और बल्तिस्तान के जो लोग हैं उनसे भी आपकी बात कराएं। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक है आपको? जी, गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक। अच्छा, तो ये क्या जो ना स्टॉल लगाया है इसके बारे में कुछ बताएं। ये हमने ड्राई फ्रूट के जो स्टॉल लगाया है, जो प्योर वहाँ की बनी हुई होती है, वही चीजें लगाए हैं। साथ में सलाजित है, जैम है जो खुद की बनाई हुई है, और टोपियां वगैरह रखी हुई है,
मुझे बताइए कि इनके नाम क्या हैं ताकि हमारे नाज़रीन की मालूमात में भी इजाफा हो। इनके नाम बताइएगा। इनका नाम मैम ये कुरबानी के हैं, सुखे कुरबानी। अच्छा। ठीक है। अखरोट है हमारे पास, कुरबानी की गिरी है, वहाँ के खिशमिश है स्पेशल जी। हमारे पास बेरी है, जो बेरी का शहद भी है हमारे पास, इसी का फूल का है। तो बाकी जो ड्राई ये कागजी बादाम, अखरोट, चेरीज, लेक चेरीज हमारे स्पेशल, वहाँ का महंगा फल होता है आजकल चेरी, तो ये हमने लेके आए हैं वहाँ से, उनजा से, उनजा के ड्राई फ्रूट। तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे इस्लामाबाद में जो लोक मेलों का इनकार किया गया, आप क्या समझते हैं होने चाहिए? जी ये इस तरह के मेले होने चाहिए, ये आवाम के लिए भी बेहतर है और मुल्क के लिए भी बेहतर है। जो मुल्क के हर जगह जो सकाफत है वहाँ इम्प्रूव होते जाएगा जो सकाफत है अपना अपना एरिया का, तो ये होना चाहिए इस तरह के मेले। जी नाजरीन, इस वक्त हम जिस स्टॉल पे खड़े हैं यहाँ पर खवातीन जो है उन्होंने ये स्टॉल सजाया है, जो गिलगित बल्तिस्तान से खसूसन यहाँ पर आई हैं इस्लामाबाद में इस लोक विरसा में। और आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान के सकाफती जो एक खवातीन का जो एक गेटअप होता है वो मैंने किया है, जो कि नहायत ही जो खूबसूरत लगता है। और स्पेशली जो दूसरी सकाफतों से जो ताल्लुक रखते हैं, सिंध है, बलोचिस्तान है, केपी की उनकी अपनी सकाफतें हैं, पंजाब की अपनी सकाफत है, और आप देख सकते हैं कि यह नहायत ही खूबसूरत खवातीन के ऊपर लगता है। हम यहाँ पर खड़ी जो स्टॉल खवातीन है उनसे बात करते हैं सकाफत के हवाले से, और जानते हैं मजीद मालूमात लेते हैं कि वो क्या हमें सकाफत के हवाले से बताती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं शुक्रिया। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि सकाफत के हवाले से क्या खवातीन जो है वो कोई खास रंग होते हैं जो पसंद करती हैं? जी ये सब रंग तो खवातीन के हैं, अब तक जितने भी स्टॉल्स हैं। अच्छा। तो इससे बढ़ के रोल क्या रंग होनी चाहिए? तो जिस तरह यहाँ पर पंजाब में ये होता है कि रंगों का जो है वो खास सर्दियों में जो है वो गहरे रंग पहने जाते हैं, गर्मियों में हल्के रंग पहने जाते हैं, तो क्या गिलगित बल्तिस्तान में भी कुछ इस तरह की सकाफत में कुछ है इस तरह का? जी जरूर है। अच्छी हमारी व्हाइट कलर जो हम लोग यूज करते हैं ज्यादातर गर्मियों में, और डार्क कलर्स हमारी वहाँ भी सर्दियों में यूज की जाती है। अच्छा। और ये टोपिया ये तो सदाबहार ऐसे रंग ही है इसके, ऐसे के हर सीजन में पहनी जाती है। इस टोपी के हवाले से बताइएगा कि क्या ये जो है वो घरों में आप बनाते हैं या क्या करते हैं? ये वाला टोपी जो मैंने पहना है जी ये हमारा सकाफत है। तो क्या घरों में बनाते हैं आप? हाँ ये हम घरों में बनाते हैं। तो कितना एक टोपी बनाने में कितना एक टाइम दरकार होता है? 20 दिन 30 दिन लगता है, टाइम की बात है, अगर हम जल्दी में करें तो एक महीना भी लगता है इसमें। अच्छा आप हमारे नाजरीन को ये बताइएगा कि क्या जो है ये कोई खास मौके होते हैं जिसपे ये पहनी जाती टोपियाँ, या फिर आप आम ये कैजुअल यूज करते हैं इसको? कोई खास मौके पे पहनते हैं, शादी के घरों में दुल्हन शादी पे ये पहनती जो मैंने पहना है, और दुल्हा ये पहनता है ये वाला ताज के साथ ये पहनता है शादियों में। हाँ हाँ ये पहनता है और दुल्हन ये पहनती है जो मैंने पहना है। हाँ ठीक है। शादी ब्याह की तकरीबन? जी शादी और मस्जिद इवेंट्स में, कोई प्रोग्राम इवेंट्स में हो गया तो पहनते हैं। हाँ नाजरीन आप ये देख सकते हैं कि ये जो खसूसी टोपी गिलगित बल्तिस्तान की जो है वो खास एक टोपी है, जो कि दुल्हा ये टोपी पहनता है, और ये टोपी जो मैंने पहनी है दुल्हन पहनती है, और यकीनन ये जिस तरह मुझ पे अच्छी लग रही है आप देख रहे हैं दुल्हन पे भी अच्छी लगती होगी, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान की तरफ के जो लोग होते हैं ये इनके खसूसन जो रंग है वो बहुत ज्यादा जो है वो गोरे होते हैं, जिसकी वजह से इनको ये तेज रंग ज्यादा जो है वो मजा करते हैं इनके ऊपर। तो हमारे साथ रहिएगा, हम कुछ और जो है वो कल्चर आपको दिखाएंगे, यकीनन आप भी इंजॉय करेंगे, हमारे साथ सकाफत। यहाँ पाकिस्तान का सिंध का अपना तौर तरीका है, पंजाब का अपना तौर तरीका है, केपीके का अपना तरीका है, बलूचिस्तान का अपना है, इस तरह से हमारे गिलगित बल्तिस्तान का अपना तौर तरीका है, और इनमें हर एक का अपना अपना लिबास, हर एक का अपना खाना पीना उड़ना बैठना शक्ल सूरत है। और आज यहाँ मेले में हम सब इकट्ठे होकर पाकिस्तान में एक खूबसूरत सकाफत हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो अब इसी के साथ हम गिलगित बल्तिस्तान में, आपने K2 का नाम सुना होगा, यहाँ फुटू भी पहाड़ भी लगाया हुआ है, और इस तरह से कराची के समंदरों से लेकर हुंजा और बल्तिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान के तमाम इलाकों से हम यहाँ जमा होकर आए हैं, और हमने अपने तमाम चीज़ें आप खुद यहाँ देखते हैं, यहाँ खुबानी से लेकर अखरोट से लेकर शहद से लेकर और खाने पीने के तमाम अकसाम से लेकर हीरे जवाहरात के जो जेम स्टोन मिनरल्स से लेकर
हर चीज़ हम यहाँ पे लेकर आए हैं ताकि हमारे लोगों को इस मेले में ये चीज़ें दिखाया जा सके, और खुसूसन मीडिया की वजह से दुनिया एक खूबसूरत गांव बन चुका है। उस गांव के अंदर हम हर एक, जिस तरह से अभी हमारे बाजी ने लिबास और मैंने और आपने और पहने हुए हैं, इस तरह से पहनकर हम सब मिलजुल कर खुश और खुर्रम रहे और इस दुनिया में हम बहुत ही ऊंचा मुकाम हासिल करें। जी नाजरीन, आपने ये देखा कि ये साहब जो है गिलगित बल्तिस्तान से ये तशरीफ लाए, इन्होंने यहाँ पर स्टॉल लगाया, अपनी सकाफत को ये यहाँ पर जो है वो बताने के लिए आए हैं, उसको पेश करने आए हैं भरपूर अंदाज से। और इनका बस एक ही पैगाम है कि चाहे दूर दराज के सफर हो या जहाँ से भी आपका ताल्लुक हो, लेकिन हर इंसान को और हर सकाफत को एक ही जगह पे यकजा होना चाहिए, और यही हम सब पाकिस्तानियों का और हम सब चाहे जिस भी सकाफत से हमारा ताल्लुक हो, हम पैगाम सिर्फ एक ही देते हैं कि सारी दुनिया जो है वो सारे सब लोग सारी जो सकाफतें हैं वो मिलके एक ही मर्तबान में यकजा हो जाती हैं। तो नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, गिलगित बल्तिस्तान की सकाफत हमने आपको दिखाई है, हम आपको मजीद जो है वो सूबों की सकाफतें दिखाएंगे कि वहां पर खास तौर पर किस किस्म के जो है वो मलबूसात पहने जाते हैं, किस किस्म के खाने हैं और किस तरह का उठना बैठना है जो कि लोगों का ज्यादातर उनमें राइज होता है। तो हमारे साथ रहिएगा नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा, हम आपको कुछ और स्टॉल्स पर लेकर जाते हैं जहां पर मुख्तलिफ जो है वो सकाफती मलबूसात खवातीन के जो है वो लगाए गए हैं, और ये भी स्टॉल्स यहां पर लोक विरसा में पिछले 10 रोज से सजाए गए हैं। कुछ दुकानदारों जिन्होंने स्टॉल्स यहां पे लगाए हैं उनसे हम बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये किस तरह की सकाफत को वो शो कर रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पहले तो मुझे इस लोक विरसा के हवाले से बताइएगा कि यहाँ पर जो मेलों का इनेकाद होता है वो आप क्या कहेंगी इसके बारे में? मेलों का इनेकाद होना चाहिए और बहुत अच्छा सिस्टम है ये सारा, क्योंकि पहले तो लोग जरा नस्ल दर नस्ल आ रहे हैं चले हुए, लेकिन अब जो आए हैं ना लोक मेले में न्यू जनरेशन, वो ज्यादा बेस्ट काम कर रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है। मुझे ये बताइएगा कि ये कल्चर कहाँ का है और इनको कुछ ब्रीफ कीजिएगा इन कपड़ों के हवाले से। जी, ये कल्चर पंजाब का है और मैं लाहौर से ताल्लुक रखती हूँ, लाहौर का ही लेकर आई हूँ, हम लोग खुद बनाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा बाहर भी जाता है बहुत अच्छा सिस्टम। आप लाहौर से तशरीफ लाई? जी, मैं लाहौर से लाई। अच्छा, तो कैसा लग रहा है इस्लामाबाद में? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं कोई पहली दफा नहीं आई, मैं पिछले 5 ईयर्स से आ रही हूँ यहाँ पर, बहुत जबरदस्त है। आपके ख्याल में क्या जो है वो इन मेलों का एहतमाम यहाँ पे होता ही रहना चाहिए? जी, होता रहना चाहिए, बट इसके लिए थोड़ा सा मैनेजमेंट की थोड़ी जरूरत है, अभी वो जो ठीक नहीं हो पा रही, थोड़ा सा वो है, बाकी बहुत अच्छा सिस्टम है सर। हाँ जी, थैंक यू।
आई थी, आखिर से आई है। अच्छा लग रहा है जी। कहाँ से आए हो? एबटाबाद। एबटाबाद से आए हैं आप? पठान बने हो जी? कैसा लग रहा है पठान बनके? अच्छा। अच्छा लग रहा है जी? थोड़ा ऊंचा बोलो। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी। एबटाबाद से स्पेशल आए आप जी ये देखने के लिए जी? तो इसके बारे में क्या कहोगे? बहुत एंजॉय कर रहे हम। बहुत एंजॉय कर रहे हम। बहुत एंजॉय कर रहे हो जी? तो ऐसा दोबारा होना चाहिए जी। हाँ जी, शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त हम आपको जो सकाफत दिखाने जा रहे हैं वो है बलूचिस्तान की सकाफत, और हमारे साथ जो साहब खड़े हैं ये बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि खसूसी जो है वो रवायती इनकी क्या चीज़ें हैं जो बलूचिस्तान में आती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बलूचिस्तान से आए हैं आप? जी मैं बलूचिस्तान से आया हूँ। अच्छा, तो हमें बताइएगा कि क्या जो है वो कुछ क्या खास रवायती क्या कल्चर है आपका? मैडम हमारा तो कोई खास, बहुत से कल्चर हैं, आपको भी पता है क्योंकि ये भी पाकिस्तान का कोई पाकिस्तान का एक सूबा है, और ख़ास तौर पे तो वहाँ के खाने में जो है वो रोश है और कड्डी कबाब है, सज्जी है, इसी तरह बहुत है, और इसके बाद ये बंगड़ा जो बोलते हैं आप लोग, हम लोग अतण बोलते हैं इसको। हाँ, इस अतण भी ख़ास है, इसी तरह के बहुत कुछ है, पहाड़ों के पहाड़ी इलाका है फिर आपको पता है, और मैं आपको क्या बताएं इस। अच्छा, बलूचिस्तान का जो मौसम है वो ज़्यादातर किस तरह का रहता है? बलूचिस्तान का मौसम तो ज़्यादातर खुश्क रहता है और ठंड बहुत होती है, और इसके बाद इलाके हैं खुजदार है, कलात है, और ज्यारत है, आना उड़क है, ये काफ़ी ठंड रहता है, यहाँ पे बर्फबारी भी बहुत होती है, और खुश्क मौसम होता है, कोई ख़ास मौसम नहीं है, ठंड मौसम है वहाँ का, गर्मी इतनी नहीं होती। तो अगर बलूचिस्तान और इस्लामाबाद की बात की जाए तो आप क्या कहेंगे कि आप इस्लामाबाद ज़्यादा आपको पसंद आया या बलूचिस्तान? नहीं, देखा जाए तो बलूचिस्तान हमें, हमारा अपना मुल्क है, हमारा अपना वतन है, हमें अच्छा लगता है, पर इस्लामाबाद भी अच्छा है, ये भी हमारा मुल्क का हिस्सा है, हमें ये भी अच्छा लगता है, पर वहाँ पे पहाड़ी इलाका है और वहाँ पे खुश्क इलाका है, वह हमारा इलाका है, हमें बहुत पसंद है। बड़ी इस वक्त हम जहाँ पर खड़े हैं बलूचिस्तान पेविलियन है जो कि लोक विरसा में जो लोक मेले का 10 रोजा तमाम किया गया, हमारे साथ जो खातून खड़ी हैं ये बलूचिस्तान सकाफत को जो है वो प्रेजेंट कर रही हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं जी वाइस प्रिंसिपल हूँ एक मकामी कॉलेज में, और जब मैं इस लोक विरसे में आई, 10 दिन से ये मेला लगा हुआ है, इसमें सबसे खूबसूरत बात ये कि इस मेले ने हमारी यूथ में पाकिस्तान के सब रंग जो कि बहुत खूबसूरत, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, मतलब पंजाब, कश्मीर, मतलब गिलगित बल्तिस्तान, पाकिस्तान के तमाम रंगों को इस खूबसूरती से यहाँ पर पेश किया है कि नौजवान जो कि पाकिस्तान को अब वो देख सकते हैं कि हमारा मुल्क किस कदर खूबसूरत है, हमारी सकाफत कितनी प्यारी, यहाँ के लोक गीत कितने अच्छे, इतने खूबसूरत रंग, इतना प्यारा पाकिस्तान, और मुझे खुशी इस बात पे है कि मेरे नौजवान जो हैं वो इस अपने मुल्क के कल्चर को एक जगह एक वफाक में बड़ी आसानी से देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और इससे महसूस हो रहे हैं, और दैट इज एट द सेम टाइम उनकी लर्निंग भी हो रही है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
ثقافت چاہے پنجاب کی ہو، سندھ کی ہو، بلوچستان کی ہو، خیبر پختونخوا کی ہو، گلگت بلتستان کی ہو یا کشمیر کی ہو، لوگ ورثہ میں میلے سجتے رہیں گے اور تمام جو پاکستانی ہیں وہ اپنی ثقافتوں کو لے کر یہاں پر یکجا ہو کر بھائی چارے کا پیغام دیتے رہیں گے۔ ہمارے آگے آنے والے پروگرامز میں بھی ہم آپ کو مزید ایسے ثقافتی میلے جو ہیں وہ دکھاتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔